एक मूर्तिकार था। वह पत्थरों की मूर्तियां बनाने का काम करता था। एक बार वह मूर्तिकार मूर्तियां बनाने के लिए पत्थर लाने गया। कुछ ही दूर चलने के बाद उसे एक पत्थर दिखा जो कि मूर्ति बनाने के लिए उपयुक्त था। मूर्तिकार ने उस पत्थर को उठा लिया और अपनी हाथ गाड़ी में डालकर आगे बढ़ गया। कुछ दूर और चलने के बाद उसे एक और पत्थर दिखा। मूर्तिकार ने उस पत्थर को भी अपनी गाड़ी में रख लिया और दोनों पत्थरों को लेकर वापस अपने घर आ गया। जब मूर्तिकार ने मूर्ति बनाने के लिए एक पत्थर को छीनी और हथौड़ी के सहारे से काटना शुरू किया तो वह पत्थर चिल्लाने लगा। किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मूर्तिकार इधर उधर देखने लगा पर उसे कुछ भी समझ नहीं आया। मूर्तिकार फिर पत्थर को काटने लगा कि तभी वह पत्थर बोल पड़ा, अरे रुको रुको, मुझे मत काटो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तब मूर्तिकार बोला, पर मैं तो तुम्हें काट कर तुम्हारी एक अच्छी सी मूर्ति बनाना चाहता हूँ। मूर्ति बनने के बाद लोग तुम्हारी पूजा भी करेंगे। तब वह पत्थर बोला, अरे नहीं नहीं, मुझे कोई मूर्ति वूर्ति नहीं बनना है, बस तुम सिर्फ मुझ पर इतनी दया करो कि मुझे मत काटो और मेरी जान बख्श दो, क्योंकि तुम्हारे काटने से मुझे बहुत दर्द होता है और इतना दर्द मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। उस पत्थर की ऐसी बातें सुनकर मूर्तिकार को उस पर दया आ गई, अतः उसने उस पत्थर को किनारे रख दिया और दूसरे पत्थर को काट कर मूर्तियाँ बनाने लगा। दर्द तो दूसरे वाले पत्थर को भी हो रहा था पर वह कुछ नहीं बोला। कुछ ही दिनों में मूर्तिकार ने उस पत्थर को काट छांट कर एक सुंदर सी गणेश भगवान की प्रतिमा बना दी। मूर्ति बहुत ही सुंदर लग रही थी। जब मूर्ति बनकर तैयार हो गई तो कुछ गांव वाले उस मूर्ति को लेने आए, क्योंकि गांव के एक मंदिर में उस मूर्ति को स्थापित किया जाना था। गांव वालों ने जब उस सुंदर सी मूर्ति को देखा तो बहुत खुश हुए। गांव वालों ने मूर्ति के ही पास नारियल फोड़ने के लिए उस मूर्तिकार से एक और पत्थर मांगा। मूर्तिकार ने इधर उधर नजरें दौड़ाई और वही पत्थर उठाकर गांव वालों को दे दिया जिस पत्थर ने दर्द से बचने के लिए मूर्तिकार से रहम करने की गुहार लगाई थी। सभी गांव वाले मूर्ति और उस पत्थर को साथ लेकर ढोल नगाड़े बजाते हुए मंदिर की तरफ रवाना हो गए। रास्ते भर वह आलसी पत्थर चिल्लाता रहा, अरे कमबख्तों, मुझे कहाँ ले जा रहे हो, मुझे छोड़ दो कमीनों। मगर ढोल नगाड़ों की आवाज़ों से किसी को भी उस पत्थर की कोई आवाज़ सुनाई ही नहीं दी। मंदिर पहुंचकर सभी ने वहां पर वह मूर्ति स्थापित कर दी और उसी मूर्ति के सामने की ज़मीन पर उस पत्थर को भी रख दिया ताकि उस पत्थर पर लोग नारियल फोड़ सकें। मूर्ति स्थापित होते ही सभी लोग उस मूर्ति की पूजा अर्चना करने लगे, मूर्ति पर फूल और दूध चढ़ाने लगे। मूर्ति बना पत्थर यह सब देखकर बहुत खुश हुआ। नीचे पड़ा पत्थर भी यह सब नज़ारा देख रहा था और उसे मूर्ति बने साथी पत्थर को देखकर जलन भी हो रही थी। तभी वहां पर एक आदमी नारियल लेकर आया और उसी पत्थर पर नारियल को फोड़ने लगा। नारियल की चोट पड़ते ही वह पत्थर चिल्लाने लगा, अरे कमबख्तों, मुझ पर क्यों नारियल पटक रहे हो, मुझे दर्द हो रहा है, हाय मैं मर गया। तभी वहां पर एक और लड़का नारियल फोड़ने आ गया। पत्थर फिर चिल्लाया, अरे करमजलों, एक साथ दो दो लोग मुझ पर नारियल फोड़ रहे हो, फोड़ना ही है तो अपने सर से नारियल फोड़ कर चढ़ाओ, मुझ अभागे को क्यों दर्द दे रहे हो। वह पत्थर चिल्लाता रहा मगर उस खुशी के माहौल में किसी को भी उसकी बातें सुनाई ही नहीं दी और सभी पूजा अर्चना करते रहे। जब सभी चले गए तो उस पत्थर की हालत देखकर मूर्ति बना पत्थर हंसने लगा। तब नीचे पड़ा पत्थर बोला, हाँ हाँ हंस लो, तुम्हें तो मज़ा आएगा ही ना, क्योंकि तुम्हें तो लोग चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, तुम्हारे ऊपर फूल बरसा रहे हैं, तो तुम तो खुश होगे ही। तब मूर्ति बने पत्थर ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो दोस्त, मूर्ति बनने का यह अवसर पहले तुम्हारे ही पास आया था, तुम अगर चाहते तो आज मेरी जगह तुम होते, मगर तुमने इसके लिए दर्द सहने से मना कर दिया, कठिनाइयों से दूर भागने लगे, तकलीफों को बर्दाश्त नहीं करना चाहा, इसीलिए आज तुम वहाँ पड़े हो और मैं यहाँ बैठा सुख भोग रहा हूँ, क्योंकि मैंने इससे पहले कई सारे दुखों तकलीफों को सहा है, खुद के सीने पे हथौड़ियों की चोट खाई है, दर्द सहा है,
अपने छोटे छोटे सुखों का त्याग किया है, मेहनत की है, तब आज मैं इस काबिल बना हूँ कि लोग मेरी पूजा कर रहे हैं। अगर तुम भी मेरी तरह दर्द सहते, तुम भी मेरी ही तरह अपने सीने पर हथौड़ियों की चोट सहते, अगर तुम भी छोटी छोटी खुशियों का त्याग कर देते तो आज तुम भी मेरी ही तरह सुख भोग रहे होते। क्योंकि बिना कष्ट सहे और बिना त्याग किए किसी को भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। नीचे पड़े पत्थर को अब सारी बात समझ में आ चुकी थी, मगर अब तो देर हो चुकी थी। यही सोचकर नीचे वाले पत्थर ने मूर्ति से पूछा, इसका मतलब अब मुझे सारी ज़िंदगी नारियल का दर्द सहना पड़ेगा? तब मूर्ति वाला पत्थर बोला, नहीं, तुम अब भी गलत ही समझ रहे हो, क्योंकि महीनों नारियल की चोट पड़ने से तुम्हारा शरीर और भी मजबूत हो जाएगा, तब तुम्हें दर्द का एहसास भी नहीं होगा। फिर मूर्ति बने पत्थर ने नीचे पड़े पत्थर को समझाते हुए कहा, देखो दोस्त, अब दुखी होकर भी कोई फायदा नहीं है, उससे अच्छा है तुम ये रोना धोना बंद करो और अपना दिल मजबूत करो। ईश्वर ने जैसा भी जीवन दिया हो उसका आभार व्यक्त करो और खुश रहने की कोशिश करो। अपनी सोच को बदलो। देखो, जिस नारियल के तोड़े जाने से तुम इतने दुखी हो, उसी नारियल के टूटने से उसका ढेर सारा मीठा और स्वादिष्ट रस तुम्हारे ही ऊपर बिखरा पड़ा है। तुम चाहो तो उसे पीकर उसके स्वाद का आनंद ले सकते हो और खुश हो सकते हो। चढ़ावे का नारियल तुम्हारे ऊपर तोड़ने से, वह भोग लगने से, मंदिर के अंदर रहने से, अब तो तुम भी पवित्र हो चुके हो ना। और हो सकता है वर्षों बाद किसी और मंदिर में मूर्ति स्थापना के लिए तुम्हें भी मूर्ति रूप दे दिया जाए। यही सब सोचकर खुशी खुशी अपना जीवन जीने का प्रयास करो दोस्त। उस मूर्ति बने पत्थर की ऐसी ज्ञानवर्धक बातें सुनकर नारियल वाला पत्थर अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए बोला, तुमने सच में बहुत ही अच्छी बात समझाई मेरे दोस्त, आज से तुम मेरे लिए भी भगवान ही हो। जय गणपति महाराज। ओके फ्रेंड्स, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर दिन कुछ अच्छा सीखते और सिखाते रहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।